दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना खत्म कर दिया गया है। पूरे जंतर मंतर से पहलवानों का टेंट हटा दिया गया है। वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल जंतर मंतर धरना स्थल पर किसी भी तरह की एंट्री बैन है। पहलवानों के धरने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू उखाड़ दिए। प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है। धरने के आयोजकों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब पहलवानों को धरना प्रदर्शन की मंजूरी नहीं है। हिरासत से छूटने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने चुपके से उनके प्राइवेट वीडियो बनाए हैं। वे हमें बिना बताए चुपके से वीडियो बना रहे थे। इससे मामले पर सियासत और गर्म होने की उम्मीद है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा है कि इंसाफ मिलने तक घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम बाकी पहलवानों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को हंगामे को लेकर आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज की है। फिलहाल जंतर मंतर से पहलवानों का धरना स्थल दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से हटा दिया है। यहां लगे टेंट, पंडाल, गद्दा, कूलर और दूसरे इंतजाम हटा दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ता, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल, देखिए कितना बदला प्रदेश।